हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। 24 जुलाई 2021 आपके रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज एंड ओवरऑल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। चलिए देखते हैं गाइस, कैसा रहेगा आज का आपका दिन रिलेशनशिप वाइज। के वी हैव चूज वाइजली, एंड वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। ओके गाइज, तो यहाँ पे ऐसा, ओके वी हैव 777, तो मे बी आप लोग, शायद आपको ये नंबर बहुत दिख रहा हो, 777 या 777। ओके, यहाँ पे मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही डिसेप्टिव है, ठीक है, मतलब जो दिखा कुछ और रहे हैं बट उनके दिल में कुछ और है आपके लिए। ये कोई भी हो सकता है, मे बी आपका कोई रिलेटिव हो जो मे बी आपके सामने आज अच्छा बन सकते हैं बट आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, आपके कुछ ऐसे दोस्त हों, ठीक है, कोई ऐसा कोई है पर्सन जो आज आपसे बहुत जेलस हो सकता है, मे बी आपके लुक्स को देख के, आपकी सक्सेस को देख के या आपके रिलेशनशिप को देख के, ठीक है, मे बी लोग आज आपसे जेलस कर सकते हैं। देन वी हैव चूज़ वाइजली, तो मे बी आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो रिलेशनशिप में, मे बी आज आपके आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस थी और आपको एक को चूज़ करना है रिलेशनशिप में, ठीक है, या आपकी आपके सामने मल्टीपल, अभी आप जगह बिजी हो तो आप अपने रिलेशनशिप पे आज इतना इतना फोकस होके फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज आज आपका ध्यान ना मल्टीपल जगहों पे रहेगा। ओके, तो आज आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, बट आज आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो कि यू नो आपका बुरा चाहते हैं, आपसे जेलस होते हैं या आप डिसेप्टिव हैं आपके आपको लेके, ठीक है। तो आज मे बी आज आप या फिर ऐसे लोगों का ट्रू फेस आज आपके सामने आ सकता है, ये भी है। अब देखते हैं कि वर्क लाइफ कैसी रहेगी आज आपकी। We have moving on and we have spiritual union. तो वर्क लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर बहुत, मतलब आपकी वर्क लाइफ में बहुत वक्त से आपका ये डार्क फेज चल रहा था वर्क लाइफ में, तो आप वहाँ से निकल के इस हैप्पी फेज़ में आ रहे हो आज आप, ठीक है। आप मे बी आज आप पार्टनरशिप कर सकते हो किसी के साथ, या मिलके कुछ नया प्लान कर सकते हो, कुछ नया आइडिया स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या मे बी आप अपने लवर के साथ मिलके कुछ ना कुछ बड़ा, मतलब वर्क प्लेस में कुछ या फिर कुछ बिजनेस आइडिया आप स्टैब्लिश कर सकते हो, या फिर आज जो लोग होंगे आपके आसपास वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे काम को लेके, ठीक है। एंड आज आपका मन बहुत अच्छा रहेगा वर्क लाइफ को लेके, आपका आज मन करेगा काम करने का। अगर आप बहुत वक्त से लेज़ी फील कर रहे थे, ठीक है, तो आज आपका खुद का मन करेगा कि आप आज पढ़ाई करो या काम करो, मतलब दिल से आज आप करने वाले हो अपनी वर्क लाइफ में। अब देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी आज आपकी। के वी हैव एक्सिलरेटेड मोशन एंड वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, तो थोड़ी सी एंग्जाइटी आज आपको रह सकती है। वी हैव 888, वी हैव 7788। ओके, सो आज थोड़ी सी एंग्जाइटी आज आपको रह सकती है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर सकते हो आज, ठीक है। मे बी आपने कोई कोई विश मांगी हो बहुत वक्त से, आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो बट वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, तो आप उस चीज़ की वजह से परेशान हो कि अपनी मेंटल हेल्थ आप थोड़ी सी ख़राब कर सकते हो ओवर थिंकिंग करके, या सिचुएशन जितनी बुरी नहीं है ना उसके बारे में उतना ज़्यादा, मतलब बुरा सोच सोच के, ठीक है, बुरा इमेजिन कर कर के आप उस चीज़ को ज़्यादा आप ख़राब कर दोगे, अपना अपने खुद की इमोशनल मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दोगे, ठीक है। तो आज के दिन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और आज आप जितना हो सके उतना मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और इस चीज़ को समझिए कि जो होगा वो सही टाइम पे होगा, राइट टाइम पे होगा, ठीक है। और आज आप वर्क करिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप जो ये एंग्जाइटी और जो ये इश्यूज़ हैं इससे आप बाहर निकलो ओवर थिंकिंग से। चलिए देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा आज आपका दिन।
ये 10 of Pentacles। तो आज आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत परेशान हो तो आज आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आज आपको बहुत अच्छा फील होगा। आज इतना हो सके आप लोगों से घुलिए मिलिए, ठीक है, टाइम स्पेंड करिए, ओके, ना कि अकेले रहिए। आज के दिन आपको जितना हो सके अपने आप को इन्वॉल्व रखना है लोगों के बीच में। वी आर 4 of Wands। तो अगर आपको किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, कॉल का वेट है ना, अपने अपने सोलमेट का वेट है, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो आज काफ़ी लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। या आज आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या आज सोलमेट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। और अगर सोलमेट नहीं तो आज गैदरिंग, मे बी आज आप किसी पार्टी में जा रहे हो, या आज आपके घर में भी पार्टी हो रही है, ठीक है। आज गैदरिंग, लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ बैठना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी मोर। 3 of Wands। तो आपको अपनी लाइफ का जो है ना, अपने चार्ज वो खुद अपने हाथ में लेना है। आज आप ना मैनिफेस्टेशन जो चीज़ है ना वो आपके हाथ में, ठीक है। तो आज आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हो, कुछ नया आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ अपनी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चीज़ को आप बाहर लेके आ सकते हो, क्रिएटिव हैबिट्स को, क्रिएटिव आइडियाज़ को। देन वी हैव 5 of Pentacles। तो आपको ज़रूरत है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे इस वक्त फोकस करने की, आपको ज़रूरत है अपने हेल्थ पे फोकस करने की, स्पेशली मतलब आपके करियर पे तो स्पेशली आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई थिंक आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली, या आपका फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है, या आप जितना आप प्रॉफिट चाहते थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरत है अपने काम पे ध्यान देने की, और ना कि ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट करने की। ओके, यहाँ से देखते हैं आज की थीम। के वी हैव थ्रॉट चक्र। तो आज कोई आपसे पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आज आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज कोई, आज आपको किसी की छुपी हुई फीलिंग्स पता चलेगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। किसी के कोई आपसे कोई आपको बता सकता है कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, या आज बहुत टाइम बाद आपके किसी किसी पुराने फ्रेंड का कॉल आ सकता है। ओके, देन वी हैव प्योरिटी। तो आप अपने इंटेंशंस प्योर रखिए। अगर कोई आपके संग गलत कर भी रहा है तो भी आप उसको बुरा विश करने की बजाय, या उसके लिए बुरा सोचने की बजाय, यू नो, यू जस्ट लेट इट गो। आप अपने थॉट्स, अपने विचार एकदम प्योर रखिए, ताकि आपकी लाइफ में से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है गॉड की आपके लिए। गॉड गाइडेंस फॉर यू। ओके, वी हैव मदर मैरी। टीचर अवेकन्स। इफ यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनी थिंग स्टॉप यू। ओके, तो आपको अपने अंदर का जो टीचर है ना उसको जगाना है, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, पर आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको सोचना है सबसे पहले तो। और आपके पास बहुत कुछ टैलेंट है जो आप दूसरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, अपने इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका दिल आपसे कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है उसको फॉलो करिए। और अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, आपके अपने आपके खुद की नेगेटिव थॉट्स आपको रोक रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करिए। कोई भी चीज़ आपको रोक ना पाए, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसान, और जो गोल आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना वो आप अचीव कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।